चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया। नई जनसंख्या नीति को सरकार बदलाव के लिए एक बड़ा कदम बता रही है। इसके तहत परिवार नियोजन से जुड़े कार्यक्रम शुरू होंगे, साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई उपाय भी किए जाएंगे। नई जनसंख्या नीति विवाहित जोड़ों को अधिकतम 2 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस नीति के कई फायदे ड्राफ्ट बिल में बताए गए हैं, साथ ही इसका पालन ना करने वाले जोड़ों को कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। जनसंख्या विधेयक के तहत दिए गए मुख्य फायदे ये हैं: सरकारी नौकरी वालों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, घर या प्लॉट खरीदने पर लोन में छूट, बिजली या पानी बिल में राहत इत्यादि। साथ ही एक ही बच्चे पर रुक जाने वाले परिवार को कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में 2 और वेतन वृद्धि, बच्चे की स्नातक तक की मुफ्त पढ़ाई, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश इत्यादि। इनमें गरीबी रेखा से नीचे वाले जोड़ों को सरकार 80,000 रुपए लड़का होने पर और 1,00,000 रुपए लड़की होने पर प्रदान करेगी, लेकिन ये सारे फायदे स्वैच्छिक नसबंदी करने पर ही दिए जाएंगे। परंतु कोई जोड़ा जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उनको कुछ नुकसान झेलने होंगे, जैसे कि सरकारी सुविधाओं से वंचित होना होगा, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ नहीं सकेंगे इत्यादि। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूँ, और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2019 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या विस्फोट इसे भारी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि आखिरी बार 1975 की इमरजेंसी के समय उपयोग किया गया था। अपने भाषण में उन्होंने परिवार को छोटा रखने को देशभक्ति से भी जोड़ा था। आइए जानें कि आज की स्थिति में भारत में जनसंख्या विस्फोट है भी या नहीं, और क्या ऐसे किसी बिल की हमारे देश को जरूरत है। इसके लिए हमें TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट को जानना होगा। TFR जनसंख्या विधि को मापने का वो पैमाना है जो कि एक विवाहित जोड़ा अपने प्रजनन काल में जितने बच्चे पैदा करता है उसका औसत है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन की, जो कि 2.1 के TFR को रिप्लेसमेंट रेट मानता है, यानी अगर हर जोड़ा औसत 2 बच्चे पैदा करेगा तो उस देश के राज्य की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। एम्प्टी प्लैनेट किताब के लेखक डैरिल ब्रिकर के अनुसार भारत ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट पर आ चुका है। 2018-19 का नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, जो कि संसद में पेश हुआ था, कहता है कि भारत की जनसंख्या अगले 2 दशकों में बड़ी तेजी से कम होगी। इसका मतलब हुआ कि भारत में जनसंख्या विस्फोट तो नहीं है। तो आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा अक्सर हमारे तथाकथित देशभक्त चैनल्स पर होती रहती है। न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या पूर्वी भारत में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? क्या मुस्लिम जनसंख्या का बढ़ना सिर्फ एक संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग? टीवी पर ये शोर मचा हुआ है कि देश में मुसलमानों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में वो हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या ये सच है? आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए, कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी, ये जो सवाल बार बार होता है कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उनको समझिए, ये होना असंभव है। 2011 जनगणना के आंकड़ों का सहारा लें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंदुओं में TFR 2011 में 2.2 पर है, जो कि पहले 2001 में 3.2 पर थी, यानी कि टोटल 1.0 पॉइंट की गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों में ये संख्या
4.1 से घटकर 2.7 पर आ चुकी है, यानी कुल 1.4 पॉइंट की गिरावट। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने हिंदुओं की अपेक्षा जनसंख्या पर ज्यादा काबू किया है और मुसलमानों में बच्चे पैदा करने की संख्या में ज्यादा गिरावट आई है। इस बिल का मकसद मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस झूठ का पर्दा फाश करें। जब हम यूपी का उदाहरण देखें तो पता चलता है कि मुसलमानों में TFR 3.1 है जबकि हिंदुओं में 2.7 है, यानी दोनों के बीच का अंतर काफी कम है और ये लगभग आसपास का मामला नजर आता है। ये NFHS 4 2015-16 से लिए गए सरकारी आंकड़े हैं। इससे हमें यही समझ आता है कि मुसलमानों की संख्या खुद से ही कंट्रोल में है। केरला की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 है। यूपी की तुलना अगर हम केरला से करें तो 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये पता चलता है कि मुसलमानों की TFR संख्या 1.9 है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये अंतर इसलिए है क्योंकि केरला SDI में पूरे भारत में पहले स्थान पर है, जबकि यूपी और बिहार सबसे आखिरी में आते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वो पैमाना है जिससे किसी देश के नागरिक की विकास का पता चले। उदाहरण के तौर पर केरला की साक्षरता 96% है जो कि देश में सबसे अधिक है, और यूपी की 73% जो कि बहुत कम है। मतलब जहां लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं और जहां गरीबी कम है वहां लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूपी के हिंदू परिवार केरला के मुस्लिम परिवार से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि बच्चे पैदा करने का संबंध गरीबी, कम पढ़े लिखे होने और पिछड़ेपन से है, ना कि धर्म से। यूपी की BJP सरकार इस बिल से मुसलमानों को निशाना बना रही है, लेकिन क्या ये सच है कि सिर्फ मुसलमान ही 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा किए गए गणित से पता चलता है। इसके अनुसार भारत में 83% हिंदू आबादी 2 से अधिक बच्चे पैदा करती है, जिसमें लगभग 40% OBC, 22% SC और 10% ST है। मतलब कुल 72% आबादी पिछड़े वर्ग से है। इससे यही साबित होता है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जहां आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है वहां 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए जिन परिवारों में गरीबी है वहां सरकार को ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की जरूरत है, ना कि उन्हें वंचित करने की। यूपी में मुसलमानों की TFR संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसका कारण सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। सरकार को उनकी स्थिति सुधारने के लिए मजबूती से कदम उठाने चाहिए। ये पूर्व इलेक्शन कमिश्नर SY कुरेशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ से पता चलता है। बढ़ती आबादी का इल्जाम मुस्लिम समुदाय पर ये कहकर भी लगाया जाता है कि वे 1 से ज्यादा शादियां करते हैं, उनकी 1 से ज्यादा पत्नियां होती हैं, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। 1974 की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि देश के मुसलमान बाकी समुदाय के तुलना में ऐसे रिश्ते कम रखते हैं। और तो और मुसलमानों का लिंग अनुपात देखें तो महिलाएं पुरुष से कम है संख्या में। मतलब अगर आधे मुसलमान भी 1 से ज्यादा शादी करते हैं तो बाकी के आधे कुंवारे ही रह जाएंगे, तो ये आरोप भी असंभव सा लगता है। एक्सपर्ट पूनम मुटरेजा बताती हैं कि सरकार के ऐसे कदम जो कि लोगों का अधिकार छीने, वे हालात बनाने के बजाय बिगाड़ सकती हैं। जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 2 child पॉलिसी वापस ले ली। बिल का बुरा असर समझने के लिए हमें और गहराई से विश्लेषण करना होगा, जैसे कि औरतों या बेटियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सरकार दावा करती है कि इस बिल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे संसाधनों को बराबरी से बांटा जा सकेगा, लेकिन ये बिल औरतों के खिलाफ है। आइए जानते हैं कैसे।
हरियाणा में 1992 को लागू हुई टू चाइल्ड पॉलिसी रद्द करनी पड़ी, क्योंकि हमारा देश जो कि एक पुरुष प्रधान देश है पुरुषों को महत्व देता है। अक्सर हर परिवार में कम से कम एक लड़की की चाहत तो जरूर होती है, लेकिन जब टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे कानून थोपे जाने लगे तो लड़कियों को गर्भ में ही मारना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या के कई सारे मामले सामने आने लगे। हरियाणा में महिलाओं का लिंग अनुपात घटकर बहुत कम हो गया, जिसके कारण वहां शादी करने के लिए भी दुल्हनें नहीं मिल रही थी। फिर क्या, फिर लोग दूसरे राज्यों से औरतों को खरीद कर शादियां करने लगे। और ऐसा ही कुछ हाल चाइना का भी हो चुका है। तो क्या हम वाकई में ऐसा देश चाहते हैं जहां औरतों को खरीदा जाए, या फिर जहां एक औरत के 5-5 पति हो? जरा सोचिए। निर्मला बुच्च द्वारा की गई मध्य प्रदेश की टू चाइल्ड पॉलिसी रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत सारी महिलाओं को तलाक दे दिया गया और उनके परिवार ने अपने बच्चों को गोद लेने के लिए दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक और भी कई सारे चिंताजनक चलन सामने आने लगे। देख सकते हैं कि कैसे इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे औरतों पर, बालिकाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। कानून से सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे देश के गरीब और पिछड़ों को होगा, जब उनकी सब्सिडीज उनसे एक झटके में छिन जाएंगी। हमें इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, बजाय कि लोगों को दंड देने की। सरकार और हम सबको एक्सपर्ट्स की बात माननी चाहिए।